लकड़ी काट के उसे बेचने वाले आरोपी और खरीदने वाले फर्नीचर व्यापारी पर वन अधिकारियों ने छापामार कार्रवाई कर 1,00,000 रुपए का माल जब्त किया है। शहर के बाबूपेट क्षेत्र का फर्नीचर कारोबारी जुनोना जंगल से अवैध गुल लकड़ियां लाने वाले लोगों से खरीद कर काट रहा है। ऐसी गुप्त सूचना मिलने के बाद संभागीय सतर्कता वन अधिकारी एवं प्रशासनिक अधिकारी सतीश चोपड़े ने 25 सितंबर की सुबह 4 बजे चंद्रपुर वन विभाग मोबाइल स्क्वाड और वनपाल व वन रेंजरों के साथ अम्बेडकर नगर बाबूपेट स्थित वानखेड़े के घर पर छापा मारा। अवैध गोल लट्टे और कट साइज ऐसा करीब 1,00,000 रुपए का माल और लकड़ी काटने की 2 मशीन जब्त कर ली। उनके पड़ोस से गोनमड़े नाम के एक फर्नीचर व्यापारी का निरीक्षण करते हुए 4 राउंड लाठी और 1 मशीन जब्त की गई। यह कार्रवाई मुख्य वन संरक्षक चंद्रपुर अंचल के मार्गदर्शन में संभागीय सतर्कता वन अधिकारियों एवं प्रशासनिक अधिकारियों के नेतृत्व में वनपाल तावड़े वासेकर गोसे वनकरी क्षेत्र सहायक पाथारडे वन रक्षक पठान देगावकर देवानंद उमरी गोदनी भीमनवार पावड़े इनके द्वारा की गई। विभागीय सतर्कता वनाधिकारी चोपड़े ने सभी फर्नीचर व्यापारियों से आवक एवं जावक रजिस्टर एवं बिलबुक संभाग कार्यालय से पंजीकृत कराकर नियमानुसार कार्य करने की अपील की। माननीय प्रवीण सर यांच्या मार्गदर्शनाखाली आणि त्यांनी मला जी जबाबदारी सोपवली त्यांच्या कोणत्याही प्रकारे विश्वास तडा न जाता आज हे जे आम्ही वानखडे यांच्या घरी जे अवैध सागवान जप्त केलेलं आहे ते जवळपास 1,00,000 किमतीचा अवैध सगळं हात आऱ्याने कटाई केलेलं सागवान आहे। आम्ही मागील 15 दिवसापासून त्यांच्या घराच्या आजूबाजूला वेषांतर करून इकडून तिकडून आम्ही ते माहिती काढत होतो आणि आज सकाळी पहाटे 4 वाजतापासून आम्ही त्यांच्या घराच्या आजूबाजूला फिल्डिंग लावली होती। आम्हाला जसं माहिती मिळाली आणि मी जेव्हा कन्फर्म जेव्हा केलं की त्यांच्या घरी धाड मारून पूर्ण माल जप्त केलेला आहे आणि तो सुरक्षितरित्या वाहतूक करून रामबाग कॉलनीमध्ये इथे ठेवलेला आहे। आणि बस एवढंच। BCN न्यूज के लिए चंद्रपूर से संवाददाता की रिपोर्ट।